अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। कोई खबर आई? कोई नहीं शाहजी, दो दिन रह गए हैं 40वें में। बुलावा भेजना तो दूर की बात, इत्तला तक नहीं दी उन्होंने। ठीक है, मैं नाजिम से कहता हूँ कि सिकंदर से बात करें, हो सकता है परेशानी में भूल गए हो। कैसी परेशानी शाहजी? आप भी साफ नजर आने वाली चीज को जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हैं। तैमूर की माँ हमें यह एहसास दिलाना चाहती हैं कि वो हमसे या हमारे खानदान से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची किस हाल में होगी। देखिए, आप इस तरह अंदाजों पर अपनी राय कायम मत कीजिए। अभी तो दो दिन बाकी है चिलम में, हो सकता है कि बुलावा आ जाए। तैमूर तो 40वां आ रहे हैं। सारियां नूं इतला कर दे, पर बाबरपुर वालियां नूं कहण दी लोड़ नहीं। क्यों कहना चाहिए, ऐसे भला कैसे हो सकता है? मैं यहां पे रहती इस घर में, और उनका भी तैमूर के साथ कोई रिश्ता था। कुना तैमूर नाल इस हवेली नाल कुना रिश्ता? पहला दिन ही टूट गया रिश्ता। तैमूर दा गम साडा गम है पुत्तर, साडा गम है, उना दा नहीं है। तो फिर माही पर तैमूर की बेवा के तौर पर इस घर में इद्दत गुजारने की पाबंदी क्यों लगा रखी है आपने? वो हमारे लिए नहीं, लेकिन अपनी बेटी के वास्ते तो आ सकते हैं ना। माही को हवेली में रोकना मेंडी मजबूरी थी। उसका नाम मेरे मेंडी पुत्र के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। की कैसा लोकी कि जिन्हों इन्हें मां ना लेके आए, वो इद्दत भी नहीं पूरी कर सकी। सवेली जो भी किया अपने पुत्र इस हवेली की इज्जत नहीं किया, हवेली दे रस्म रिवाज नहीं किया। पर हुन इद्दत पूरी हो जासी, खुदा इस हवेली आखिरी दिन सी। मैं भी इन रस्म रिवाज रिवायाती की बात कर रहा हूँ। अगर माई के घर वालों को नहीं बुलाया हमने तो दुनिया क्या कहेगी? तब भी तो बातें बनाएगी ना। बस बेहतर यही होगा कि हम रस्म रिवाज सही तरह निभाएं। चंगा, ए पत्थर भी दिल ते रख ले सा, पर मैं उम्मीद ना रखी कि मैं उन्हों को वध के मिल सा। मासाइन आप भी क्या बातें। माई तुम वहां पे खड़ी क्या कर रही हो? आओ, तुमने खाना नहीं खाया होगा, आओ। मुझे भूख नहीं है, थोड़ी देर में भूख लगेगी तो खा लूंगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि शाहजैन की दवा ख़त्म हो गई है, मैंने अभी उसे लास्ट डोज दिया है, तो कल के लिए चाहिए होगी, आप ले आइएगा। अच्छा किया मुझे बता दिया, मैं ले आऊँगा, शुक्रिया। रशीदा। जी सही। माई बीबी से पूछो खाने का, पूछ के कमरे में दे देना उनको। जी बेहतर सही।
अगर सिकंदर साईं को तुम्हारी इतनी चाह है तो वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वो तो तुम्हें मिलने तक नहीं आते, तुम्हारा फोन तक नहीं उठाते। कहाँ ले जाएंगे मुझे वो? जाहिर है, अपनी हवेली। हवेली? और किस हैसियत से, ये भी आप बता दीजिए। मर्द अगर अपनी जबान का पक्का हो तो उसे औरत को हैसियत देने में भला कितना वक्त लगता है। और रही बात हैसियत की, तो उससे पूछ के देखो कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी क्या हैसियत है। दोबारा फोन मिला। शुक्र है आपकी आवाज तो सुनी। कैसे हैं आप साईं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मुझे आपकी खैरियत ही मतलूब थी। खुदा हाफिज। ये क्या बेवकूफी थी, तुमने तो मिलने तक के लिए नहीं बुलाया। कहाँ आ सकते हैं वो? तुम जिद तो करती। बाजार में बैठी औरत की क्या हैसियत होती है ऐसे इज्जतदार घरानों में, मुझसे बेहतर आप जानती हैं। बाजार से अपना वास्ता तो तुम कब का खत्म कर चुकी, और ये बात तो सिकंदर साईं को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, ये भरम भी आजमा लो। आपको आज क्या हो गया है, क्यों ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हैं मुझसे? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं साईं सिकंदर को किसी इम्तिहान में नहीं डाल सकती। वो मेरे लिए सोचते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी। उन्होंने मेरी खातिर मुझे आम तमाशबीनों की दस्तरस से दूर करके महाना मुकर्रर कर दिया, जो महीने की आमदनी से कई ज्यादा है। बात मेरे मुंह से निकलने से पहले वो पूरी हो जाती है, और क्या चाहिए मुझे? यही तो तुम्हारी गलती है। ये काम तो कोई भी अमीर ज्यादा कर सकता है तुम्हारे लिए। साई सिकंदर का दावा इससे कहीं ज्यादा का है, सिर्फ कदरदानी का नहीं। अब भी वक्त है रुमाना बेगम, अपना दर्जा मांग लो जो तुम्हारा हक है। औरत की जवानी ढलते देर नहीं लगती है, और बाजार में बैठी औरत की उम्र तो दुगनी ढलती है हर गुजरते दिन के साथ। काश कि मैं इतनी खुशकिस्मत होती चंदा जी, लेकिन मैं अपनी कमजोरी के बदले उनसे भीख नहीं मांगूंगी। ये तो सौदा हो गया। ऐ पत्थरी, दिल ते रख ले सन, पर मैं उम्मीद ना रखी कि मैं उन्हों को वट के मिल सक।
आना ही पड़ा मुझे। हालांकि ये वक्त घर से निकलने का नहीं था। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब वो मलिक उस तक मेरा पैगाम पहुंच चुका होगा। मैं अब परेशान नहीं हूं, लेकिन आप कुछ थके हुए निढाल से लग रहे हैं साईं। क्या करें, वक्त ने कुछ थका सा दिया है। एक पल चैन नहीं लेने देता। कहें तो वक्त को रोक लूं आपकी खातिर। कह रही हूँ ना शाजी, मेरे खदशे बेजा नहीं है। वरना माही की सास हमें खुद फोन करके बुलाती हूँ, सिकंदर के हाथ नाजिम शाह को रूखा सूखा पैगाम ना भिजवाती। लो, अब ये गिला है कि जागीरदार ने खुद जाती तौर पर फोन क्यों नहीं किया। पहले ये परेशानी थी कि माही के ससुराल से कोई पैगाम, कोई बुलावा क्यों नहीं आया। बुलावा देने के भी कुछ कायदे कुछ उसूल होते हैं, किसी को इज्जत से बुलाने के आदाब मुकर्रर हैं। ये क्या, ये तो साफ लग रहा था जैसे सर से जिम्मेदारी उतार दी गई हो। मेरी बच्ची का मामला ना ना होता तो मैंने नहीं जाना था। चलो बेटी की खातिर ही सही, आओ अब चल पड़ो। नाजिम और साहिबा इंतजार कर रहे होंगे, हमें वक्त से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। आप आइए नीचे। बस उन्हें को मेरी दरखास्त करी, असर दे बाद दुआ होसी, दुआ शामिल हो जासन ते साड़ी खुशकिस्मती। मैं आप लें जासा, बस आंते राजी हो जासन। जी बीबी साहब, तो फिक्र ना करो जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करे सा। रब चंगी अंकरे से जी, मेरे वल्लों मन्नत करी कि एक मजबूर माँ की दरखास्त है, मैं मान रख ले सा। जो हुक्म बीबी साहब, रब थोड़ी मुराद को पूरा करे जी। क्या बात है, जागीरदारनी जी नजर नहीं आ रही। दरअसल वो कमरे में, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। खैर आप लोग चलिए, आप लोगों का इंतजार हो रहा है, आइए। बड़ी सैन बैर मेहमान आके बैठे,
सारी औरतें आपकी का पूछ रही हैं। हेलो वंश। नासा। दलसुन। जी वड्डी सैन। माही बीबी दे पेके आ गए ने? जी वड्डी सैन, वो तो बहुत देर के आके बैठे हुए हैं। पीरनी जी भी उन्हीं मेहमानों के साथ बैठी हैं।